आपको याद होगा कंडीशन स्टडी इंटरफरेंस पैटर्न में जो सबसे पहला कंडीशन में लिखा था द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर ऑप्टेनिंग स्टडी इंटरफरेंस पैटर्न वो था दू सोर्स लाइट मजबी को प्रोड्यूस कैसे करने उसका एक मेथड तो हमने यंग्स डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट में देख लिया था इफ यू रिमेम्बर अभी हम देखेंगे व्हाट आर अदर मेथड्स फॉर ऑप्टेनिंग ऑप्टेनिंग कोरेंट सोर्सेस फॉर ऑप्टेनिंग कोरेंट सोर्सेस देखो इफ यू बर जो आपको भी याद होना ही चाहिए हमने यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट इतना डिटेल में देखा है कि आपको उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूरा अच्छे से याद होना चाहिए तो यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट में हमने लिया था एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट सिंगल सोर्स ऑफ लाइट उसके बाद इस सिंगल सोर्स ऑफ लाइट के बाद वी हैड पुट टू स्लिट्स तो यहां पे हमने दो स्लिट्स रखे थे और ये जो दोनों स्लिट्स थे देव आर एट इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम सोर्स एस जो भी लाइट सोर्स एस से आएगा इट विल फॉल ऑन टू दिस टू दिट्स क्योंकि का मतलब ही होता है कि फ्रीकवेंसी सेम होना चाहिए दोनों सोर्सेज का और क्या होना चाहिए फेज सेम होना चाहिए फेज का मतलब दोनों ने एक ही टाइम पे लेटेस्ट से दे आर बोथ इमेटिंग सेम टाइम

तो कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करने का व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेस दीस टू सोर्सेस मस्ट बी ऑब्टेनड और डिराइव्ड फ्रॉम सेम सोर्स सिंगल सोर्स तो हम जो बाकी दो मेथड देखने वाले हैं ना उसमें भी सेम सेम एग्जैक्टली सेम है कि हम दो सोर्सेस प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम अ सिंगल सोर्स उसमें से पहला है लॉइड मिरर तो फर्स्ट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इसको मिरर बोलते हैं लॉयड मिरर लॉयड मिरर ओके आई डोंट रिमेंबर डी और डबल वाई डबल डी है आई रिमेम्बर रिमेंबर डबल एल है ठीक है एनी डबल एल लॉयड मिरर ओके अब ये लॉयड मिरर क्या है वो भी समझ लेते हैं तो कुछ नहीं है, एक एक है। उसको लॉयड मिरर बोलते हैं ये लोग तो व्हाट वी हैव इज सिंगल मिरर हियर ये मिरर है देन उसके बाद यू हैव अ स्क्रीन तो व्हाट वी हैव इज अ स्क्रीन यहाँ पे एक स्क्रीन है स्क्रीन क्यों चाहिए होता है क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न तुम बेसिकली कहाँ देखते हो स्क्रीन पे तो ये जो मिरर है इसको मैं बाद में जाके लॉयड मिरर बोलूंगा लेकिन फिलहाल समझ लो ये मिरर है और ये स्क्रीन है जहां पे हम लोगों को इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है वट वी डू इज हम एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं सिंगल सोर्स ऑफ लाइट और इस सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग इन रियलिटी इसको मिरर के बहुत पास में रखते हैं ऐसा क्यों क्योंकि इसमें से जो भी लाइट निकलेगा से जो भी लाइट निकलेगा वो इस मिरर को ग्रेजिंग होना चाहिए ग्रेजिंग मतलब टच करके जाना चाहिए राइट तो इट शुड बी केप्ट एट आई मीन अप्सोल्यूटली जीरो एंगलोस्ट जीरो एंगल टू द मिरर हम्म लेकिन अगर मैं ऐसा करने गया तो मैं डायग्राम अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा इसे थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा हूँ आइडियली स्पीकिंग द द द सोर्स शुड बी ग्रेजिंग टू मिरर मतलब रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स शुड बी ग्रेजिंग टू द मिरर बट जस्ट टू शो रे डायग्राम प्रॉपरली इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने अब ये जो सोर्स है लेट अस गिव इट सम नेम एस सोर्स बोल देते हैं इसमें से जो लाइट है एक तो इसमें जो रेज आएंगे वो डायरेक्टली भी जाएंगे स्क्रीन पे तो लेट मी रिप्रेजेंट दिस बाय ब्लू लाइंस तो ब्लू कलर लाइंस रिप्रेजेंट द रेज फ्रॉम सोर्स एस विच आर रीचिंग द स्क्रीन डायरेक्टली है ना अब ऐसा भी होगा कि कुछ रेज ऑफ लाइट वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जाएंगे मिरर से रिफ्लेक्ट होके यहां पे गए तो इसलिए मैंने बोला था कि मिरर मिरर का प्रॉपर्टी होता रिफ्लेक्शन का गुड तो इट मे हैपन दैट सम रेज आर बेसिकली रीचिंग द स्क्रीन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मीटर गुड लेकिन जब तुम इस रे को बैक ट्रेस करोगे बैक ट्रेस मतलब पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करके देखोगे इफ यू ब्रैक बैक ट्रेस मतलब तुमने अगर इसको पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड करके देखा तो हमको ऐसा दिखता है क्या दिखता है दैट द रेज आर कमिंग फ्रॉम समझ So there is some S जहां से आ रहे ऐसा हमको दिखता है तो so बेसिकली दो सोर्स हो गए S, जिसको तो हो source, और एस बोलोगे वर्चुअल रीच द स्क्रीन एंड प्रोड्यूस इंटरफरेंस पैटर्न तो sources, so, ये जो दो सोर्सेस है बिकॉज दीज टू सोर्सेज फ्रोम द सेम सिंगल सोर्स दीज टू सोर्सेज को राइट right? तो कोयरन सोर्सेस प्रोड्यूस करने का एक सिंपल सा मेथड है कि जो दो सोर्सेस है सिंगल सोर्स तो हमने यहाँ पे क्या किया हमने यहाँ पे एक मिरर लिया राइट right? और उसको परपेंडिकुलर एक रख दिया एक सोर्स है एस जो रियल सोर्स है वहां से जो रेज आए जो मैंने ब्लू कलर में दिखा है ये रेज डायरेक्टली स्क्रीन पे पहुंच गए और जो रेड कलर के रेज दिखाए मैंने ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए किया है मैंने जो रेड कलर के रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद स्क्रीन पे पहुंचे तो जो रेस डायरेक्टली आए थे और जो रेस रिफ्लेक्ट होकर आए हैं, ये इंटरफ्रेंस पैटर्न बनाएंगे स्क्रीन पे, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेस है अगर उसको तुम तो तुमको फ्रॉम द सेम सोर्स दे आर कोहेरेंट तो ये था आपका सिंपल सा मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेस और एक है जिसको तुम बोलते हो फ्रेस्नेलस बाई प्रिज्म इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था टू वेरीफाई इंटरफेरेंस पैटर्न वैसे और एक है फ्रेस्नेल एक्सपेरिमेंट वो तुमको सिलेबस में नहीं है उस पे क्वेश्चन जरूर आएगा तब मैं बताऊंगा सॉल्व करके तो सेकंड मेथड इज फ्रेस्नेलस बाई प्रिज्म फ्रेस्नेलस अब नाम में ये बाई प्रिज्म बाई मतलब टू तो यहाँ पे दो प्रिज्म यूज करने वाले हैं हम लोग हम लोग दो प्रिज्म को बेस टू बेस ज्वाइन करने वाले हैं थोड़ा अच्छे से ध्यान देना कंफ्यूजिंग होता है प्रिज्म में आपको अगर याद होगा प्रिज्म प्रिज्म मैं पहले नॉर्मल करके दिखा रहा हूँ इसको तुम बोलते हो प्रिज्म एंगल या फिर रिफ्रेक्टिंग एंगल बराबर और ये जो एंगल बचता है ना ये दोनों इनमें से किसी भी एक को बोलते हैं वर्टेक्स एंगल क्या बोलते हैं वर्टेक्स एंगल याद रखना आप अब फ्रेशनल बायोप्रिज्म में नाम में ये बायोप्रिज्म तो फ्रेशनल बायोप्रिज्म में हमने दो थिन प्रिज्म लिए हैं क्या लिए है हमने दो थिन प्रिज्म और ये जो दो थिन प्रिज्म है रिमेम्बर ये जो दो थिन प्रिज्म है उसका जो वर्टेक्स एंगल है वर्टेक्स एंगल वर्टेक्स एंगल वो नियरली 180 का है वर्टेक्स एंगल वर्टेक्स एंगल मतलब ये एंगल ओके और वर्टेक्स एंगल है ना वो हाँ वर्टेक्स एंगल कौन सा है फिर नीचे वाला वेरी गुड बेस को लग के ध्यान है मतलब तो ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है रिफ्रैक्टिंग एंगल इज बिटवीन 30 मिनट्स टू 1 डिग्री वेरी स्मॉल हम तो ये जो बाई है इसका जो वर्टेक्स एंगल है इट इज इट इज एनी वर्टेक्स एंगल okay. और नियरली 180 और रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 30 मिनट्स टू 1 डिग्री

तो ऐसा बन गया हमारा प्रिज्म इसको बोलते हैं बाई प्रिज्म दो प्रिज्म है दो थिन प्रिज्म है विद रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ थर्टी मिनट्स टू वन डिग्री इसको हमने बेस टू बेस ज्वाइन कर लिया तो ये बन गया हमारा बाई प्रिज्म इसको बोलते हैं बाई प्रिज्म अब मैं काम करता हूँ थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसको मैं थिक बताऊंगा थिक है वो थिन सिर्फ हमको रेड डायग्राम ड्रॉ करना होता है

तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मेरे डायग्राम में और बुक के डायग्राम में मिल सकता है तो जस्ट इट्स ओके तो थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल जाएगा आपको तो ऐसा कुछ आएगा लेस लाइक दिस थोड़ा बहुत डिफरेंस फाइन बिकॉज आई डोंट रिमेंबर कि मैंने एग्जैक्टली exactly ड्रॉ कैसा किया था वहाँ पे नोट्स में शायद ऐसा भी हो वाइट पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है वैसे ठीक है डज नॉट मैटर रियली कोई फर्क नहीं पड़ता सिर्फ समझाना था कि ये रीजन में इंटरफेरेंस होगा so this is the region of interference. और interference के लिए कंडीशन क्या शुड शुड मिनिमम टू टू ऑफ लाइट, लाइट तो बी कमिंग फ्रॉम डिफरेंट अगर आपको साथ में भी चाहिए, तो दोस तो भी तो अगर मैं अब इस रे को बैक डायरेक्शन में एक्सटेंड करता हूँ ये थोड़ा सा डाय में चेंज कर दूंगा ठीक है चलता है तो इफ यू सी ये जो रेज है ना दे विल अपियर टू यू एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम वन सोर्स हियर जिसको मैंने एस वन बोल दिया सिमिलरली ऐसा तुमको दिखेगा कि जो रेज है दे आर कमिंग फ्रॉम सम अदर सोर्स फ्रॉम ओवर हियर ये आपका हो गया एस टू तो ये जो एस वन एंड एस टू है सेम सोर्स सिंगल सोर्स राइट दोनों ए, नहीं करते। Lloyd के के केस में एक रियल था और एक यहाँ पे दोनों क्या है वर्चुअल है तो दीज टू वर्चुअल सोर्सेस दे आर कोहे बिकॉज दे आर डिराइव फ्रॉम द सेम सिंगल सोर्स एस तो हमारे पास अब इन टोटल है बाय यूजिंग टू स्लिट्स एज वी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन वी कैन यूज अ मिरर वी विल मेक सम rays फॉल डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन एंड some other rays reach the screen after reflection so these two rays are derived from the same source hence these two sources are coherent number three is by using biprism asko fresnel biprism kyu bolte hain ki fresnel naam ka scientist tha jisne sabse pehle ye method identify kiya usne khud ka method develop kar liya do thin prism liye base to base join kar liya aur jo vortex bana us vortex ke aage ek single source lag diya और एक screen पे he found out कि यहाँ पे कुछ interference pattern दिख रहा है लेकिन interference के लिए आपको दो sources चाहिए थे तो उसने क्या किया कि रेड डायग्राम बना लिया और रेज को बैक ट्रेस कर लिया एंड बाय बैक ट्रेसिंग द रेज ही फाउंड दैट कि द रेज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम टू सोर्सेस जो एग्जिस्ट करते ही नहीं है तो इसलिए इसको क्या बोल दिया वर्चुअल सोर्सेस तो इतना ही है इस टॉपिक में मेथड्स फॉर ऑप्टेनिंग कोरेंट सोर्सेज दिस इज वॉट यू नीड टू नो यहाँ तक क्लियर तो अभी हम लोग आगे जाएंगे विथ आर लास्ट टॉपिक इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है बट प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये लास्ट है डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अगर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या देखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं स्क्रीन हम डिफाइन बाद में कर लेंगे डिफ्रेक्शन को पहले समझ लो लेटेन लेटेस्ट टेक ऑफ लाइट लेटेस्ट एक क्या किया कि स्क्रीन और सोर्स ऑफ लाइट इन दोनों के बीच में स्क्रीन और सोर्स ऑफ लाइट के बीच में हमने रख दिया एक ऑब्सटैकल वोट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्सटैकल ऑब्सटैकल मतलब जो लाइट को रोकेगा ऑब्स्ट्रक करेगा एज ऑब्सटैकल तो आइडियली होता क्या है आइडियली ऐसा होता है कि जो ऑब्स्टैकल है ये स्क्रीन पे एक शेडो रीजन बनाता है क्या बनाता है रीजन होता है, ना, तुम भी अगर एक बीच में है के, तो तुमको so, so, दिखेगा कि एक शेडो बना है तुम्हारा तो so, बेसिकली होता क्या है कि जितना रीजन इसने ऑब्स्ट्रक्ट किया चलो थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए शिफ्ट कर लेते हैं तो आइडिया ये था कि जिस स्क्रीन पे जिस स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं वहां पे होना ऐसा चाहिए था कि जो ऑब्सटैकल है ऑब्सटैकल ऑब्सटैकल का शेडो बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं जीएसआर ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन क्या बोलते हैं इसको ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन सो इफ वी हैव अ सोर्स ऑफ लाइट एंड इफ देयर इज सम समल इन द पाथ ऑफ लाइट देन दिस ऑब्सटैकल क्रिएट्स अ अट्रिकल शेडो रीजन ऑन द स्क्रीन राइट

तो पहले केस में हमने लिया ऑब्सटैकल दूसरे केस में हमने लिया स्मॉल ओपनिंग विच इज कॉल्ड एज एपरचर और स्लिट। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दिस कि यहाँ पे जितना ओपनिंग है उतने ही ओपनिंग से लाइट पास होगा मतलब आइडियली ऐसा है लाइट शुड गो समथिंग लाइक दिस ओके इस केस में उल्टा होगा इस केस में यहाँ पे लाइट पहुंचेगा तो ये कौन है एल्यूमिनेट रीजन है और ये नीचे कौन है और ऊपर कौन है ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन जीएसआर यहां तक क्लियर तो आइडियली व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन यू हैव लाइट कमिंग फ्रॉम सम सोर्स एंड इफ देयर इज एन ऑब्स्टेकल और इफ देयर इज अ स्लिट इन बिटवीन देन अ शैडो इज फॉर्म एंड द रीजन इज कॉल्ड एस ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन और जहां पे लाइट पहुंच गया इट इज कॉल्ड एज इलिटेड रीजन ना इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर जो हमने ऑप्स्टल यूज किया या जो हमने स्लिट यूज किया अगर इसका साइज इज इस कम्पेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ तो लाइट यूज मतलब बेसिकली ऑप्स्टल बहुत छोटा होना चाहिए क्योंकि वेवलेंथ ऑफ तो लाइट तुम कितना यूज कर लोगे सेवन थाउजेंड एंड मतलब सेवन इन टू टू माइनस सेवन तो अगर ऑप्स्टैकल इतना छोटा है टेन टू माइनस सेवन माइनस सिक्स मीटर के रेंज का है वेरी स्मॉल जैसे डस्ट के पार्टिकल

यहाँ पे ऑब्स्टेकल के केस में लाइट कहाँ बैंड एजेस पे यहाँ पे भी एजेस पे बेंड होगा सिर्फ यहाँ पे एजेस पे बेंड होगा तो लाइट स्प्रेड हो जाएगा स्प्रेड फैल जाएगा है 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 ना क्योंकि एक एक एज एज पे ऊपर है, है, नीचे है, तो दोनों एज पे लाइट क्या होगा बेंड होगा तो यहाँ पे लाइट का क्या हो गया स्प्रेडिंग हो गया तो जब आप एक स्लिट यूज करते हो तो डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करते हो तुमने यहाँ पे डिफ्लेक्शन कैसे डिफाइन किया था

लाइट नॉर्मली स्ट्रेट ट्रेवल करता है हमने एक ऑब्स्टेकल रख दिया या एक स्लिट रख दिया तो वी वेर एक्सपेक्टिंग कि एक ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन बनेगा जिसमें ये ऑप्स्टेकल है इसका शेडो बनना चाहिए अगर ऑब्स्टेकल का साइज और वेवलेंस जो हमने यूज किया है वो कंपेरेबल हो गए इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर तो लाइट स्टार्ट बेंडिंग एट द कॉर्नर एजेस एंड लाइट एंटर्स इन टू ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट

डार्क डिफ्रैक्शन में यू हैव ब्राइट यू हैव डार्क यू हैव हैव ब्राइट यू डार्क ऐसा ही है फिर डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है अगर आपको याद होगा इंटरफ्रेंस पैटर्न में जहां जहां ब्राइट बैंड बना वहां वहां पे इक्वल का ब्राइट बैंड बना और इक्वल ब्राइटनेस का ब्राइट बैंड बना डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंटर पे होता है ब्राइटेस्ट और विथ होता है सबसे ज्यादा उसके बाद डार्क है यस yes, लेकिन सेंट्रल ब्राइट का विथ ज्यादा है और डार्क का विथ है फिर वापस से ब्राइट है लेकिन जितना सेंटर पे ब्राइट है उतना ब्राइट नहीं है तो यहाँ पे इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग इंटरफरेंस पैटर्न में यू नेवर हैव डिक्रीजिंग इंटेंसिटी तो जहां जहां ब्राइट है हर जगह पे इक्वल ब्राइट है और जहां जहां ब्राइट है डार्क है हर जगह पे इक्वल विथ है इस केस में सेंटर इज द ब्राइटेस्ट और सेंटर का विथ सबसे ज्यादा है उसके बाद डार्क पॉइंट्स है इंस्टेड ऑफ बैंड यहाँ पे इंटेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज यू गो अवे फ्रॉम द सेंटर तो डिफ्रैक्शन को मैं अगर इन शॉर्ट डिफाइन करू तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ बेंडिंग प्लस इंटरफरेंस क्योंकि जो राइट right बेंड हुआ उसी ने एक इंटरफरेंस पैटर्न बनाया लेकिन वो इंटरफरेंस पैटर्न तुम्हारा नॉर्मल इंटरफरेंस पैटर्न जैसा नहीं है इसलिए इसको क्या बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या बोलते हैं अभी डिफेनिंग पैटर्न दिखता कैसे पहले है? वो समझ लो अच्छे से वी विल गो अहेड विद नेक्स्ट थ्री देन तो सेंटर पे सबसे ब्राइट है तो सेंटर इज द ब्राइटेस्ट सेंटर आ गया आपका सबसे ब्राइट तो इट इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल ठीक उसके बाद डार्क है डार्क तो है ही लेकिन इंटेंसिटी कम है इसलिए मैंने साइज छोटा दिखा दिया विथ्थ भी कम है इंटेंसिटी भी कम है इसके बाद क्या है इसके बाद वापिस डार्क है इंटेंसिटी और भी कम है तो मैं ये जो सर्कल्स का साइज़ है दोनों करते, 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 एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जहां पे जहां पे डिफ्रेक्शन पैटर्न विल डिस क्योंकि फेंट होते जा रहा है गुड आई शो यू वन ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न लेटर ऑन यहां तक क्लियर है पक्का पक्का अभी डिफ्रैक्शन पैटर्न होते हैं दो टाइप के एक को तुम बोलते हो फ्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन एक को तुम बोलते हो फेशनल डिफ्रैक्शन फ्रेशनल डिफ्रैक्शन आपको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में आएगा फिलहाल आपको यहाँ पे ट्वेल्थ में फोकस करना है फ्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन मैं बता दूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में डिफरेंस है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेशनल एंड फ्रॉट ऑफर डिफ्रेक्शन उस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है तो क्वेश्चन ऐसा था डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्रॉन ऑफर एंड फेशनल डिफ्रैक्शन तो लेट अस इसशियट बिटवीन एंड फ्रेशनल डिफ्रैक्शन दोनों में एक्चुअली एक ही डिफरेंस है ओनली वन डिफरेंस लेकिन उसको तीन पॉइंट बना के लिख दिया तो हम भी वैसे ही करेंगे तो लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉन ऑफर एंड फ्रेशनल मैं आपको थोड़ा सा अभी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा विच इज नॉट इन योर सिलेबस ऑफ कोर्स इज पैटर्न टू सिंगल सिर्फ एक ही स्लेट है सिंगल ओपनिंग है वो हमको लिखना नहीं है वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए तो फ्रोनोफर डिफ्रेक्शन में हमारे पास सिंगल स्लेट होता है सिंगल स्लेट फ्रेशनल डिफ्रैक्शन में हम लोग यूज करते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग अब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है यू विल सीर्स इन फर्स्ट इंजीनियरिंग बट अभी हमारे पास एक ग्लास स्लैब होता है और इस ग्लास स्लैब पे हम डायमंड के हेल्प से लाइन ड्रॉ करते हैं डायमंडरी स्टर्डी डायमंड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है diamond, पता है, है न और एक ग्लास है तो अगर मुझे ग्लास पे ऐसे लाइन्स ड्रॉ करने हैं तो मैं पेन से तो नहीं कर सकता तो मुझे ऐसा कोई चाहिए जिसका स्ट्रेंथ अच्छा हो नहीं तो टूट जाएगा तो डायमंड यूज किया तो डायमंड का स्ट्रेंथ अच्छा होता है टूटता नहीं है पेन से ड्रॉ करने के तो गया राइट और वैसे भी हमको देखना नहीं है अब देखना नहीं है तो फिर क्या करना है इज इज स्लिट स्लिट अ वेरी स्मॉल पैसेज ऑफ लाइट तो जहां जहां मैंने लाइन्स ड्रॉ किए ये लाइन्स बन जाते हैं ओपेक वॉट इज ओपेक जहां से लाइट पास नहीं होता और उसके दो लाइन्स के बीच का जो रीजन है वो क्या है ट्रांसपेरेंट तो डू यू सी यहाँ पे एक के जगह पे बहुत सारे स्लिट्स है जहां जहां लाइन है दो ओपेक और जहाँ जहाँ पे नहीं है कितने है? तो फिफ्टी थाउजेंड पर, पर इंच इतने ज्यादा स्लिट्स हो सकते हैं तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में यू है 25, तो 50, पर इंच ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो मल्टीपल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न है तो, तो दैट इज सम थिंक दैट यू शुड नो हमको इतना नहीं है सिलेबस में तो हमको जितना है, उस पर उतने ही पर ही फोकस करेंगे अब इसके आगे एक स्लिट हो या फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो ऑब्सटैकल हो या स्लिट हो या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो मैं उसको नाम दूंगा डिफ्रैक्टिंग सिस्टम क्या बोलेंगे डिफ्रैक्टिंग सिस्टम डिफ्रैक्शन हो सकता है ड्यू तो टू ऑप्सटैकल डिफ्रैक्शन हो सकता है ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हो सकता है ड्यू टू

ऑब्सटैकल और इट कैन बी अट और इट कैन बी अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और एक होता है आपके पास स्क्रीन यहाँ तक क्लियर है बराबर तो so, मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से कान खोल के सुन लो क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पता है तो तुमको दोनों का डिफरेंस पता है आपके सिलेबस तक का जो डिफरेंस है वो एक ही डिफरेंस है जो वेव फ्रंट जो वेव फ्रंट डिफ्रैक्टिंग सिस्टम पे पहुंचता है या जो वेव फ्रंट स्क्रीन पे पहुंचता है रिमेंबर जो वेव फ्रंट डिफ्रैक्टिंग सिस्टम पे आएगा या जो वेव फ्रंट स्क्रीन पे आएगा के केस में वो होता है प्लेन वेव फ्रंट कौन सा वेव फ्रंट कौन सा वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट और यहाँ पर्सनल में जो वेव फ्रंट डिफ्रैक्टिंग सिस्टम पे या स्क्रीन पे आएगा वो होता है स्पेरिकल वेव फ्रंट या फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तो वेव फ्रंट इंसिडेंट

इनफाइन डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग सिस्टम अभी ऐसा क्यों मैंने क्या बोला डिफ्रैक्टिंग सिस्टम में वेव फ्रंट कौन सा चाहिए प्लेन प्लेन वेव फ्रंट वेव फ्रंट डिफ्रैक्टिंग सिस्टम पे कहाँ से आ रहा है सोर्स से तो सोर्स का डिस्टेंस क्या चाहिए इनफाइट फिर जो भी लाइट डिफ्रैक्टिंग सिस्टम से बाहर निकलेगा जैसे ऑब्स्टेकल के बाद आएगा या स्लिट के बाद आएगा वो लाइट कहाँ जाएगा स्क्रीन पे जाएगा ना हाँ, तो फिर अगर स्क्रीन पे जा रहा है तो स्क्रीन पे लाइट डायरेक्ट सोर्स से आ रहा है कि डिफ्रेक्टिंग सिस्टम से आ रहा है तो फिर स्क्रीन पे वेव फ्रंट प्लेन होने के लिए डिफ्रेक्टिंग सिस्टम और स्क्रीन में डिस्टेंस कितना चाहिए तो मैंने बोला ना अगर तुमको सिर्फ एक डिफरेंस पता है कि वेव फ्रंट इनवॉल्ड आर प्लेन वेव फ्रंट इसका मतलब डिस्टेंस इज आर इंफेनाइट तो जो पहला पॉइंट आप लिखोगे यहां द सोर्स ऑफ लाइट and the screen and the screen are are effectively at infinite distance are effectively at infinite distance from the from the diffracting system from the diffracting system or फ्रेशनल डिफ्रैक्शन में वेव फ्रंट कौन सा इन्वॉल्व था स्पेरिकल उसके लिए इन्फोनाइट डिस्टेंस का रिक्वायरमेंट है क्या नहीं तो सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन आर इफेक्टिवली एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग सिस्टम यहां तक क्लियर अगर डिस्टेंस इन्फोनाइट हो गया सो द वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द डिफ्रैक्टिंग सिस्टम एंड इज प्लेन वहां पे स्पेरिकल सो द वेव फ्रंट

कि अगर हमको स्पेरिकल वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग उस सोर्स को फोकस पर रखते हैं किसके कॉन्वेक्स लेंस के। नाउ इमेजिन मेरे पास एक सोर्स था सोर्स है उसके बाद मेरे पास एक डीएस है मतलब डिफ्लैक्टिंग सिस्टम है और एक स्क्रीन है ठीक मुझे सबसे पहले सबसे पहले डीएस पे डिफ्लैक्टिंग सिस्टम पे जो वेव फ्रंट चाहिए वो क्या चाहिए प्लेन मतलब डाइवर्जिंग रेस को कॉन्वर्ट करना पड़ेगा मतलब एक लेंस यहाँ लगेगा एक लेंस यहाँ लगेगा ये यह जो लेंस है एल वन इसका काम क्या है इसका काम है जो सोर्स से लाइट आ रहा है वो स्पेरिकल वेव फ्रंट है उसको किसमें कन्वर्ट करना है प्लेन में और वो प्लेन वेव फ्रंट किस पे इंसिडेंट होगा डी एस पे फिर अकॉर्डिंग टू यूज प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन द डिफ्रेक्टिंग सिस्टम एक्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट तो सेकेंडरी सोर्स भी तो स्पेरिकल वेवलेट्स ही देते हैं कि नहीं

क्योंकि आपको यहाँ पे स्पेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट को प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्लियर mm -hmm. तो ये तीन बेसिक डिफरेंसेस है और थ्री मार्क्स अगर चलो ठीक है मान लो चार मार्क के लिए क्वेश्चन आता ही नहीं है समझो आ गया तो मैंने तुमको बता दिया फ्लॉन ऑफर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट एज एज सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट और मल्टीपल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन विच वी यूज डिफ्रैक्शन मतलब लिखना पड़ा तो डिफ्रैक्टिंग तो अभी हम आ जाते हैं फ्लोन ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट पे हमारा फोकस है ओनली ऑन दिस पर्टिकुलर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो डिफ्रैक्शन प्रॉन डिफ्रैक्शन ड्यू सिंगल तो स्लेट है क्या अगला टॉपिक ऐसा कुछ क्या है टाइटल क्या है प्रॉन ऑफर प्रॉन ऑफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू तो सिंगल स्टेट ओके okay. जोक so नींद में छोड़ जाओगे थोड़ा थेरी टॉपिक है नींद आती है बोर भी होता है पर अभी इसके बाद बोर भी नहीं होगा और याद भी रहेगा तो इमेजिन आया वो बॉक्स ऑफ चॉकलेट एक चॉकलेट का बॉक्स है और ऐसा थ्रो कर दिया थ्रो कर दिया आपके पास तो व्हाट डू थिंक विल हैपन क्या होगा ऐसा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे चॉकलेट्स आ गए कुछ बेचारे ऐसे कि कुछ भी नहीं मिला फिर तो कुछ ऐसे है कि अरे थोड़ा तो मिल गया फिर वापिस ऐसे कि कुछ भी नहीं मिला फिर बाकी वापिस ऐसे कि थोड़ा थोड़ा सा मिला फिर ऐसा कि कुछ नहीं मिला भाई तो देख रहे हो तो तुम सेंटर पे सबसे ज्यादा चॉकलेट्स आए अभी बॉक्स ऑफ चॉकलेट को इमेजिन करो सोर्स ऑफ लाइट बॉक्स ऑफ चॉकलेट वॉज सोर्स ऑफ लाइट सो सोर्स ऑफ लाइट वॉज थ्रोइंग फोटॉन्स इंस्टेड ऑफ चॉकलेट्स सेंटर पे सबसे ज्यादा चॉकलेट है सबसे ज्यादा फोटॉन्स है तो सेंटर विल बी द ब्राइटेस्ट उसके आजू बाजू में कुछ नहीं है मतलब डार्क सिर्फ यहाँ पे हम लोग इसको डार्क बैंड्स नहीं बोलते इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमा क्या बोलते हैं मिनिमा क्या बोलते हैं इसको मिनिमा ठीक है तो सेंटर पे ब्राइट था ब्राइट को यहाँ ब्राइट बैंड नहीं बोलते यहां बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमा उसका रीजन है प्रिंसिपल मैक्सिमा क्यों क्योंकि वो सबसे ब्राइट है आपको पता होगा ना मैथ्स में मैथ्स में प्रिंसिपल मतलब फर्स्ट वैल्यू

क्या बोलते हैं इसको सेकेंडरी मैक्सिमा फिर आएगा मिनिमा फिर आएगा वापस से सेकेंडरी मैक्सिमा लेकिन सेकेंडरी मैक्सिमा तो पहले भी आ गया था तो जो पहले सेकेंडरी मैक्सिमा आया था उसको बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा उसके बाद जो आया हुआ आएगा सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा तो ओवरऑल अगर आप डिफ्रैक्शन पैटर्न इमेजिन करोगे तो वॉट यू विल फाइंड समथिंग लाइक दिस तो पहले मैंने ड्रॉ किया था वो यही चीज है सिर्फ पहले मैंने वो पैटर्न दिखाया था हॉरिजॉन्टल अब मैं दिखा रहा हूँ वर्टिकल पहले जो दिखाया था वो हॉरिजॉन्टल था अभी वर्टिकल दिखा रहा हूँ बात एक ही है तो व्हाट यू विल फाइंड इज समथिंग लाइक दिस ओके तो सेंटर पे सबसे ज्यादा एनर्जी पहुंचा सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है इसके सेंटर सबसे ब्राइटेस्ट है इसके सेंटर का विट सबसे ज्यादा दिखाया है फिर सेंटर के दोनों साइड्स पे यू हैव नथिंग तो ये याद रखो ये हमारे लिए कौन है क्या है इसका नाम सेंट्रल और प्रिंसिपल पी एल ई वाला प्रिंसिपल नहीं पी ए एल या फिर सेंट्रल मैग्जिम इसको मैक्सिमम भी बोल सकते हो क्योंकि ये एक ही बनता है तो सिंगुलर वाला है ये इसलिए इसको मैक्सिमम बोल दो फिर ये हो गया आपके मिनिमास अब ये मिनिमा यहां पे भी है उसके बाद भी है उसके बाद भी उसके बाद भी है तो मिनिमा के बहुत सारे ऑर्डर है इसलिए अब ऐसा क्यों बना वो तो देखने ही वाले हैं हम लोग लेकिन पहले पैटर्न समझ लो कि पैटर्न होता कैसा है तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा आ गया बराबर उसके बाद वापस से ब्राइट है लेकिन जितना सेंटर में ब्राइट है उतना नहीं है तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा बराबर दोनों साइड पे तो सेंटर के ऊपर और सेंटर के नीचे दोनों जगह पे आपको मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा बराबर इसके बाद आएगा सेकेंड ऑर्डर मिनिमा मैं इसको अभी सेकंड मिनिमा बोल देता हूँ चलेगा ना दिस इज सेकंड मिनिमा फिर आएगा आपका सेकंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा तो उसको बोलूंगा मैं सेकंड मैक्सिमा तो नीचे भी ऐसा ही रहेगा पैटर्न यहां तक क्लियर अब ये पैटर्न ऐसा क्यों आया ये हमको समझना है और देखो वापस ये पूरा टॉपिक थियोरेटिकल है ज्यादा इक्वेशन इन्वॉल्व नहीं है तो यू हैव टू पे प्रॉपर अटेंशन कि ऐसा क्यों हुआ इंटरफेरेंस में तो ऐसा नहीं हुआ था इंटरफेरेंस में कुछ चीज़ें सेम है और कुछ चीज़ें सेम नहीं भी है तो सेम क्या है सेंटर पे इंटरफरेंस पैटर्न में भी ब्राइट बनता है यहाँ भी ब्राइट बनता है उसके दोनों साइड पे डार्क होता है यहाँ भी डार्क है बराबर उसके बाद वापस ब्राइट होता है यहाँ भी वापस ब्राइट है ये सेम है सेम क्या नहीं है नंबर वन इंटरफरेंस में सारे बैंड जहां जहां ब्राइट था वो इक्वली ब्राइट था उसके बाद इंटरफेरेंस में जहां जहां ब्राइट था या डार्क था सबका विथ सेम था यहाँ पे नहीं है तो अभी ऐसा क्यों हुआ तो टू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस तो एक काम करते हैं सबसे पहले हमने वाला है उसके बाद हमने ले लिया एक स्लिट तो वी हैव अ स्लिट लेट अस हैव अ स्लिट ओवर हियर ये आ गया आपका स्लिट अब ये जो स्लिट है इसको कुछ नाम दे देता हूं मैं इसको बोलता हूं ए पॉइंट बोलता हूं बी पॉइंट

लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द डाइवर्जिंग लाइट कमिंग आउट फ्रॉम कॉन्वेक्स लें पैरल अरे डाइवर्जिंग को पैरल करता है ये yeah, डाइवर्जिंग को क्या करता है parallel, और पैरल को क्या करता है कॉन्वर्ज हम्म hmm? तो यहाँ पे एक काम और करते है मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेता हूं लेट्स से दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एंड लेट से दिस इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द स्लिट ये प्रिंसिपल एक्सिस भी है और ये सेंटर ऑफ द स्लिट भी है तो so, जो सेंटर ऑफ द स्लिट है उसको मैं नाम देता हूं सी तो लेट से दिस इज सेंटर ऑफ द स्लिट सी इंपॉर्टेंट है इसके लिए बता रहा हूं मैं देन ये जो स्क्रीन है इसका सेंटर जो है वो पी जीरो है कौन है वो पी जीरो कौन है वो पी जीरो रिम्बर रिमेंबर यहां से रे जो आ रहे हैं वो पैरल थे ओके बराबर क्लियर अब ऐसा है ना कि एवरी पॉइंट ऑन दिस विल बिहेव एज इट इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बराबर पक्का पक्का श्योर श्योर क्यों किसने बताया यूजे प्रिंसिपल ने बताया नाउ आई हैव टोल्ड यू कि हमको और एक लेंस की जरूरत पड़ने वाली यहां पर तो और एक लेंस है अब ये जो रेज है कौन सा रेज है जो सीपी पी नॉड इस डायरेक्शन को पैरेलल है, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सेस को पैरेलल है, तो यू शुड स्क्रीन क्यों क्योंकि लेंस से पास होने के बाद मैंने इसलिए बोला कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग रेज को पैरेलल करता है और पैरेलल रेज को कॉन्वर्स करता है तो यहां पे क्या होगा ये जो रेज है एनी रे विच इज पैरल टू सी पी जीरो विल हैव टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस टू रीच पी जीरो मतलब पार्ट डिफरेंस कितना और पार्ट डिफरेंस जीरो मतलब कंडीशन फॉर ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसके लिए सेंटर ऑफ द स्क्रीन क्या बन गया ब्राइट बन गया वेरी गुड गुड तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज ब्राइट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन ये ब्राइटेस्ट हो जाएगा यहां तक क्लियर बिकॉज इज रियली 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 इंपॉर्टेंट तो ये थोड़ा सा अच्छे से समझ लो तो बेटर हो करेक्ट हमने इंटरफेरेंस में भी यही चीज किया था हमने बोला कि भाई सेंटर की बात कर लो सेंटर ब्राइटेस्ट है यहाँ पे भी सेंटर सेंटर वहां ब्राइट था यहाँ पे सेंटर ब्राइटेस्ट है यहाँ तक क्लियर है अब हम लोग कौन सा टॉपिक सीख रहे हैं यहाँ पे वो डिफ्रैक्शन हुआ कहाँ डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन तो बेंडिंग था कहाँ पे लाइट तुमने बेंड करवाया लेंस पे बेंड नहीं होता लाइट बेंड वेन इट रिचेस्ट ऑबस्टेकल और स्लिट वो तो हमने देखा ही नहीं तो डिफ्रैक्शन तो अभी तक हुआ ही नहीं अब होगा डिफ्रैक्शन अब ऐसा है कि जैसे ही लाइट इस स्लिट पे आया और हमने अब भी देखा वेन एवर लाइट रीच स्लिट इट बेंड्स इट स्प्रेड्स तो इसका बेंडिंग हो गया बेंडिंग तो इसका बेंडिंग हो गया ओके okay, तो इसका बेंडिंग हो गया अब बेंडिंग होगा तो हर एक पॉइंट से होगा ना क्योंकि हर पॉइंट यहाँ पे क्या है क्या है है सेकेंडरी सोर्स तो हर एक पॉइंट से जो लाइट आ रहा है वो क्या हो हो रहा है बेंड और ऐसा तो नहीं हो सकता कि ए से जो लाइट आ रहा है तो सारे एंगल क्या है सेम इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं नॉर्मली क्या कंफ्यूजन होता है ना क्योंकि आपके नोट्स में वैसा दिया रहता है ऐसे डायग्राम्स

तो लाइट स्प्रेड हो रहा है मतलब लाइट इज बींग बेंडेड अपवर्ड डाउनवर्ड साइड हर जगह पे बट टू कीप द डायग्राम सिंपल मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बता रहा हूं दैट डज नॉट मीन कि लाइट सिर्फ ऊपर की तरफ ही डिफेक्ट होगा उसका ये मतलब नहीं होता है इट इज जस्ट टू कीप द डायग्राम नीट एंड क्लीन तो लाइट नीचे भी बेंड होगा ऊपर भी बेंड होगा तुम्हारी मर्जी तुम कहाँ दिखा रहे हो यहां तक क्लियर तो अगर आपको याद होगा इंटरफरेंस में सेंटर छोड़ के सेंटर तो ब्राइट है पता लग गया था फिर हमने क्या बोला कि सेंटर छोड़ के किसी और पॉइंट की बात करते हैं और चेक करते हैं कि वो पॉइंट ब्राइट है कि डार्क है सेम स्ट्रेटर्जी यहाँ पे सेम सेम सेंटर छोड़ के किसी और पॉइंट की बात कर लेते हैं टेक एनी अदर पॉइंट ऑन द स्क्रीन कोई भी एक पॉइंट ऑन द स्क्रीन ये जो पॉइंट है लेटेस्ट से पॉइंट पी सम पॉइंट पी अब वो पॉइंट पी ब्राइट है कि डार्क है मतलब वहां पे मिनिमा है कि मैक्सिमा है और मिनिमा है तो कौन से ऑर्डर का मिनिमा है मैक्सिमा है तो कौन से ऑर्डर का सेकेंडरी मैक्सिमा है ये हमको चेक करना है तक क्लियर क्लियर पक्का पक्का हमने ऑलरेडी देखा कि सेंटर पे मैक्सिमा बनता है ब्राइटेस्ट बनता है तो सेंट्रल मैक्सिमम या प्रिंसिपल मैक्सिमम बनता है उसका कंडीशन क्या है कि सारे के सारे जो रेज थे जो सीपी नॉट इस डायरेक्शन को पैरल थे Maximum photons, maximum light, maximum energy, maximum बता दिया कि तो डिशनफरेंस मतलब प्लस इंटरफरेंस तो डिफ्रैक्शन इंटरफरेंस ही है लेकिन एक्स्ट्रा कंडीशन के साथ लाइट बेंड हुआ उसका इंटरफरेंस पैटर्न है ये तो अब हमको देखना पड़ेगा पाथ डिफरेंस लेकिन पाथ डिफरेंस किसका देखुँ? मैं तो हर हर एक एक पॉइंट ही सेकेंडरी सोर्स है पार्ट डिफरेंस तुम दो रे में फाइंड करते हो ना जैसे वहां पर किया था एस पी टू माइनस एस वन पी एस टू पी माइनस एस वन पी ऐसा कुछ किया था ना एस टू पी माइनस एस वन पी तो दो ही रे की बात कर रहे थे एक एस टू से निकल रहा है एक एस वन से निकल रहा है यहाँ तो हर एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स है तो फिर किसका पार्ट डिफरेंस एक्सट्रीम्स का एक्सट्रीम मतलब ए और बी और मैंने आपको बताया था कब बताया था जब हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन शो के प्रूव किया था मैं आपको तब बताया था कि अगर आपको दो रे में पाथ डिफरेंस निकालना हो अगर नहीं याद होगा तो बता देता हूँ वापिस से अगर आपको दो रेस में पाथ डिफरेंस निकालना हो तो एक रे से दूसरे रे पे क्या ड्रॉ करो परपेंडिकुलर तो मैं ए से जो रे आ रहा है और बी पे जो रे है इस पर ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर इसको बोलता देता हूँ ई पॉइंट हो बराबर तो पार्ट डिफरेंस कितना ए से जो लाइट निकल रहा है और बी से लाइट निकल रहा है पार्ट डिफरेंस कितना है बी ई e है कितना है बी अब बोलोगे ऐसा कैसा रूल है ये अब ये तो ऐसा है परपेंडिकुलर ड्रा किया ना उसके बाद डू यू सी इट इज फॉर्मिंग लाइक अ रेक्टेंगल दिख रहा है दिख रहा है ना रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो होता ही है सेम इन लेंथ तो जो भी पार्ट डिफरेंस होगा वो परपेंडिकुलर से पहले होगा तो कितना पार्ट डिफरेंस है बी कितना है बीई e. कितना है बीई रिमेम्बर सो द पार्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम रेज उसको मैं डेल्टा बोल देता हूँ वो कितना है बी e. अब एक काम करते हैं लेट अस जस्ट फॉर आर कन्वीनियंस मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए और ये जो स्लिट विथ है ना ए बी इसको मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल ए बराबर स्मॉल ए हमने इंटरफेरेंस में जो दो स्लिट्स को क्या हुआ था स्मॉल डी सी बी एस सी के बुक्स या आपके टेक्स्ट बुक स्लिट विड्थ को भी स्मॉल डी बोलते हैं मैंने नाम चेंज कर दिया क्योंकि कंफ्यूजन नहीं चाहिए आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर की तो डोंट गेट कन्फ्यूज मतलब कौन डिफ्रैक्शन डी मतलब कौन इंटरफरेंस ओके वेरी गुड ठीक ज्यादा क्लियर नाउ सी दिस इज नाइनटी

सेंटर पे पहुंचने के लिए इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसके लिए पार्ट डिफरेंस जीरो है इसके लिए सेंटर क्या है ब्राइटेस्ट है हम सेंटर को छोड़ के किसी और पॉइंट की बात कर रहे थे पी की वहां पे मिनिमा है कि मैक्सिमा है ये समझने के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि पार्ट डिफरेंस कितना है पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए हमने एक्सट्रीम रेज ए और बी का पार्ट डिफरेंस निकाल लिया बी ई जो आ गया ए साइन थीटा ए साइन थीटा अब जो इंटरफ्रेंस में कंडीशन थे वॉट वॉज द कंडीशन फॉर ब्राइट For constructive interference, bright bands. तो इसका मतलब अगर मुझे मिनिमाइंड करने है अब ऐसा क्यों बताता हूं अगर मुझे मिनिमा फाइंड करना है तो फॉर मिनिमा फॉर मिनिमा

तो मैं ऐसा करता हूं ना मैं इस इसको ऐसा इमेजिन कर लेता हूं देखो इसके दो पार्ट्स कर लिए एक है अपर पार्ट ऑफ द स्लिट एक है लोअर पार्ट ऑफ द स्लिट तो जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसके लिए कितने रेस चाहिए थे दो मतलब एक रे आ रहा है अपर पार्ट ऑफ द स्लिट से दूसरा आ रहा है लोअर पार्ट अगर यहां पे एक पॉइंट है विच इज सोर्स ऑफ लाइट तो उसको करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहाँ पे भी है विच इज सोर्स ऑफ लाइट मतलब यहां से जो लाइट आ रहा होगा और जो लोअर पार्ट से आ रहा होगा उसका क्या हो रहा है इंटरफेरेंस हो रहा है अगर नीचे एक पॉइंट है यहाँ पे तो यहाँ भी एक पॉइंट है तो फॉर ईच पॉइंट इन द अपर हाफ ऑफ द स्लिट यू हैव अ करस्पोंडिंग पॉइंट इन द लोअर हाफ ऑफ द स्लिट या फिर आप बोल सकते फॉर ईच सेकेंडरी सोर्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ स्लिट दर इज अ करस्पोंडिंग सेकेंडरी सोर्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द स्लिट मतलब द रेस फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द स्लिट एंड द लोअर पार्ट ऑफ स्लिट दे आर फॉर्मिंग

लेमना बाई टू फाइव लेमना बाई टू एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसा था कि नहीं है ना ऐसा और कंस्ट्रक्टिव क्या था मतलब लेमना टू लेमना थ्री लेमना फोर लेमना फाइव लेमना ऐसे था अब इमेजिन करो कि ए और बी ये जो जो एक्सट्रीम सोर्सेस है इसमें अगर वेवलेंथ मतलब पाथ का डिफरेंस लैमडा हो कितना हो लैमडा हो तो ए और सी में कितना होगा लैमडा बाई टू बी और सी में कितना होगा तो तुमको दिख रहा है अगर पार्ट डिफरेंस फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट इज लैमडा तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन रेस कमिंग फ्रॉम अपर हाफ एंड लोअर हाफ बाय टू लेकिन लैमडा बाई टू किसका कंडीशन है तो देखा ए तो और बी में पार्ट डिफरेंस क्या था लैमडा ए और बी में ए और बी में नॉर्मली पार्ट डिफरेंस लैमडा करेस्पॉन्ड टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेकिन यहाँ पे ए और बी हमने इसको इमेजिन कैसे किया हाफ एंड हाफ मतलब अपर हाफ ऑफ द स्लिट एंड तो ए और बी में अगर पार्टी है तो ए सी में जो लाइट का सोर्स है और सीपी में जो लाइट का सोर्स है उसमें पार्टिशन कितना होगा तो पार्ट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी मतलब एक्सट्रीम लैमडा करस्पॉन्ड टू पार्ट डिफरेंस ऑफ लैमडा बाई टू बिटवीन अपर एंड लोअर हाफ ऑफ द स्लिट तो लैमडा बाई टू करस्पॉन्ड टू तो जब एक्सट्रीम में पार्ट डिफरेंस एन लैमडा हो तो ऊपर और नीचे जो दो हाफ ऑफ द स्लीट से उसमें पार्ट डिफरेंस होगा टू एम माइनस वन लैमडा बाई टू यहाँ पे एम नहीं यूज करते यहाँ पे एन यूज करते टू एन प्लस वन लैमडा बाई टू दैट इज नथिंग बट डिस्ट्रक्टिव तो मतलब बेसिकली मिनिमा के लिए यहां पे पार्ट डिफरेंस कंडीशन बिटवीन एक्सट्रीम रेस क्या है एन लैमडा है बराबर यहां तक बराबर यहां तक लेकिन हमने अभी तो देखा व्हाट इज डेल्टा हाँ तो फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू यू विल हैव ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैमडा सही है तो साइन थीटा इक्वल टू एन लैमडा बाई ए और अगर एंगल स्मॉल हो जो नॉर्मल स्मॉल होता ही है तो थीटा इज स्मॉल यू हैव साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा

ब्राइट है तो यहाँ पे एन की वैल्यू जीरो लिखा है सब नोट में हियर एन इक्वल टू जीरो जीरो नहीं ले सकते क्या ले सकते हैं वन क्या ले सकते हैं टू क्या ले सकते हैं सिर्फ क्या नहीं ले सकते हैं जीरो राइट करेक्ट ये भी गलत है क्यों गलत है क्योंकि तुम जब सिर्फ प्लस वैल्यू लिखते हो तो तुम सिर्फ सेंटर के ऊपर की बात कर रहे हो नीचे भी तो सेम होगा तो प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस

प्लस वन बाई टू लेकिन हमको ये भी पता है ना क्या पता है ए साइन वे यहाँ पे हम नॉर्मली थीटा एन लिखते हैं क्योंकि एक सिंगल मिनिमा नहीं है इट इज नंबर ऑफ मिनिमा तो एन इज द ऑर्डर ऑफ मिनिमा ओके तो ए साइन थीटा एन तो फ्रॉम थ्री एंड फोर फ्रॉम थ्री एंड फोर यू विल हैव

By 2a. So for n equal to Zero नहीं डाल सकते हो आप बोलोगे यहाँ जीरो डाल दे तो क्या फर्क पड़ता है यहाँ तो लैमडा बाई टू आता है ठीक है सुन लो पहले मेरे सही बात है गलत बात है दोनों है अभी सही क्यों है मैथमेटिकली सही है कि अगर मैं एन इक्वल टू जीरो डालता हूँ तो जीरो तो नहीं हो रहा जीरो मतलब सेंटर वो तो ब्राइट ही है ना वैसे लेकिन अगर जीरो पे एन इक्वल टू जीरो पे सेंट्रल मतलब प्रिंसिपल ब्राइट है तो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट कैसे बनेगा उसके अंदर है कि नहीं लॉजिकली स्पीकिंग थोड़ा लॉजिकली सोचो ना एन इक्वल टू जीरो सेंट्रल ब्राइट है मतलब प्रिंसिपल ब्राइट है तुम यहाँ पर सेकेंडरी की बात कर रहे हो नावी फाइव फुट एन इक्वल टू जीरो अगेन ऐसा कैसा हो सकता है कि एन इक्वल टू जीरो के लिए प्रिंसिपल भी है एन इक्ल टू जीरो के लिए फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमम हो सकता है क्या नहीं मैथमेटिकली ये भले करेक्ट लगे लेकिन करेक्ट नहीं दूसरा लॉजिकली और सोचो आपका आपका पहला पहला डार्क कहां, कहां बना था दोनों साइड पे बताओ ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है यहाँ पे डार्क बना था और यहां पे बना था इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कौन है कौन सा मैक्सिमम फर्स्ट मैक्सिमम नहीं सेंट्रल मैक्सिमम या फिर प्रिंसिपल मैक्सिमम बात सही है ना पक्का ना पहला पहला मिनिमम कहाँ बना सेंट्रल मैक्सिमम के दोनों साइड पे और फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्मम कहाँ बनेगा इसके बाद में बनेगा बराबर वेर इज लेमडा बाय टू एफ आई पुट एंड एक लेमडा बाई टू ए वो इधर कहीं आएगा कि नहीं इधर कहीं आएगा कि नहीं आएगा ना मतलब पहला मिनिमा बनने से पहले ही पहला सेकेंडरी मैक्सिमा बन गया तो ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए एन की वैल्यू तुम जीरो नहीं ले सकते क्या ले सकते हैं वन है? तो थोड़ा लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा कि यू हैव टू वन हि देडरी मैग्जी सेकेंडरी मैक्सिमास आर फॉर्म दैट कहां बने

दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड दो नोड के बीच में एक नोड बराबर दो कंस्ट्रक्टिव के बीच में एक फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के बीच में एक सेंट्रल मैक्सिमा बराबर फिर फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा और सेकेंड ऑर्डर मिनिमा के बीच में फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा तुम देख लो पहला मिनिमा अभी मैं स्क्रीन के सिर्फ एक ही साइड की बात कर रहा हूँ मतलब मैं माइनस वैल्यू नहीं लूंगा सिर्फ क्या लूंगा प्लस वैल्यू तो पहला भी था उसका क्या होना था अरे थ्री कैसे थ्री कैसे टू लैमना बाई ए बराबर ये वन है ये टू है सेंटर कौन है हाँ तो पहला सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा कहा बनना चाहिए था कहा बनना चाहिए था देखो है क्या है मतलब थे करेक्ट है जो हमने अभी तक सीखा वो क्या है करेक्ट है तो ये याद रहेगा क्या पक्का पक्का याद रहेगा वापस कंफर्म करना हो तो थ्री लैमना बाय ए ये कौन है थर्ड मिनिमा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट और सेकंड के से, फर्स्ट और सेकंड मिनिमा के बीच में फर्स्ट तो सेकेंडरी मैक्सिमा सेकेंड और थर्ड के बीच में सेकेंड टू और थ्री का मिड पॉइंट टू पॉइंट फाइव मतलब 5/2 λ ए है क्या यस है शून्य के दोनों साइड पे होगा ऐसा ज्यादा क्लियर गुड तो इसके आगे का हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में